दोस्तों, आज हम बनाएंगे कढ़ी पकौड़ा। तो उसके लिए हम क्या क्या सामान लेंगे वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले मेथी, राई, हल्दी, धनिया, मिर्ची, करी पत्ता, हरी मिर्ची, हींग, नमक। फिर हम उसके बाद एक बाउल में बेसन लेंगे, प्याज डालेंगे और फिर उसको फेंटेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालना है जिससे कि ज़्यादा ना हो जाए, और एक साइड को ही इसको फेंटना है। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी लेंगे, थोड़ी मिर्ची लेंगे, थोड़ा धनिया लेंगे और थोड़ा सा नमक लेंगे और थोड़ी सी इसमें हींग डालेंगे और फिर इसको एक साइड ही हम फेंटेंगे लगा। अब ये जो पेस्ट है ये थोड़ा सा फूल जाने कलर बदल देगा ये। उसके बाद हम इसकी फिर पकौड़ियाँ बनाएंगे। ये कढ़ाई ली है, इसमें हमने ऑयल डाला है। उसके बाद हम फिर ये जब गर्म हो जाएगा इसको हम ऐसे चेक करेंगे, उसके बाद हम फिर पकौड़ी बनाएंगे। छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ, जब हमारी ये पकौड़ियाँ हो जाएंगी फिर हम दोबारा डालेंगे। अब हम इनको पलट देंगे और थोड़ा सिकने के बाद इनको हम निकाल लेंगे। अब ये पकौड़ियाँ जो हैं हमने जो निकाल ली हैं, और इसके अंदर इस तरीके से जाली बननी चाहिए, ये परफेक्ट है। अब ये हमारा तेल गर्म हो गया है। अब हम कढ़ी के लिए सबसे पहले जीरा, मेथी, राई, दो मिर्ची साबुत, थोड़ी सी हरी मिर्ची, थोड़ा सा करी पत्ता और थोड़ा सा हमें आलू डालना है। हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम प्याज डालेंगे, फिर अच्छे से इसको हम भून लेंगे। जब हमारी प्याज अच्छे से भुन जाए अब ये हमारी प्याज जो है भुन के रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, धनिया, मिर्ची स्वाद अनुसार और थोड़ी सी हींग। अब इसको हम सबको भून लेंगे। अब हमने कढ़ी के लिए थोड़े सा बेसन को घोल लिया है। उसके बाद फिर मट्ठे में हम इसको मिला देंगे और मिलाने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से चला देंगे। मट्ठे में अब हमने बेसन मिला करके इसको हमने अच्छी तरीके से चला दिया है जिससे कि इसमें फिर गुठली ना पड़े। और अब हम इसको मसाले में डालेंगे।
और फिर इसको हम बराबर चलाते रहेंगे जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। और जब इसमें उबाल आ जाएगा उसके बाद हम नमक डालेंगे जिससे कि हमारी कढ़ी फटे नहीं। पहले नमक डालने से कढ़ी का फटने का डर रहता है, इसलिए हम सबसे बाद में हम नमक डालते हैं जब उबाल आ जाता है तब। सो गाइस, इस वक्त हमने पकौड़ियों को इसलिए डाला है ताकि ये जो पकौड़ियाँ हैं हमारी उनके अंदर जो नरमनेस है वो बनी रहे, मतलब वो नरम जो है वो हमारे को फील हो खाते वक्त। और पहले हम इसलिए नहीं डाल रहे थे, नहीं तो ये जब पकने के लिए हमने इसको रखा था उबाल आने के लिए तो उस वक्त ये हमारी पकौड़ी जो है वो पूरी तरह से घुल जाती, तो हमने उस चीज़ से उसको बचाने के लिए इन पकौड़ियों को अब इस वक्त डाला है। और थोड़ी देर के लिए अब हम फिर से इसे उबाल आने देंगे और फिर गैस को बंद कर देंगे। अब हम कढ़ी को छोंकने की तैयारी करेंगे, तो उसमें हम सबसे पहले चमचा लेंगे। चमचे में थोड़ा सा राई डालेंगे, उसमें करी पत्ता डालेंगे, थोड़ा जीरा डालेंगे और जब ये फूटने लगे इसे अच्छे से चला देंगे। देगी मिर्च, थोड़ी सी देगी मिर्च डालेंगे। उसके बाद हम अपनी कढ़ी में इसे अच्छे से तड़का देंगे। और गार्निश के लिए धनिया डालेंगे। थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर देंगे। अब हमारी कढ़ी बन करके तैयार है। तो गाइज, अगर आपको हमारी कढ़ी अच्छी लगी हो और आपका मन कर रहा हो कि आप जरूर इसे अपने घर में ट्राई करेंगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने और भी घर वालों के साथ। और हाँ, अगर आपका फिर भी कोई सजेशन है कि हम अपनी कढ़ी को कैसे और भी अच्छा बना सकते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू गाइज।